आधा घंटा मिल रहा है क्लास लास्ट में। हाँ जी कपिल में एक टाइम बच्चे जन्म लिया तो वो शरीर छोड़ते नहीं छोड़ते। बाबा ने बोला है जो भी एडवांस में है जिनकी बुद्धि में भी एडवांस बैठा है बाप के बच्चे बने हैं। चाहे अभी चल रहे हैं या माया ने उनको मूर्छित बना दिया। लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी ना तो हनुमान संजीवनी लाया तो मूर्छा होना अलग बात और सदा काल के लिए मर जाना अलग बात। वरदान मिला हुआ है कि जो भी एडवांस लेंगे उनका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जिन्होंने भक्ति नहीं की है वो भी ज्ञान में चलेंगे। परिवार के भांति तो जिन्होंने भक्ति भी नहीं की है वो परिवार के भांति ज्ञान में चलेंगे। तो जिन्होंने भक्ति की है जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो वो रुक जाएंगे क्या है? वो अमरनाथ के अमर बच्चे नहीं बनेंगे। वो तो बनेंगे पहले क्योंकि वो तो अलौकिक परिवार के भांति बन गए। हिंदी भाषा होती है पापर के आदि की कौन सा भाषा होता है? उसका नाम ही है द्वापुर। कितने पुर? दो दो पुर है, दो दो भाषाएं, दो दो राज्य, दो दो धर्म। हर बात में द्वैत पैदा होता जाता है। दो में से दो, फिर दो में से दो, फिर दो में से दो। तो द्वैतवादी युग में कितनी भाषाएं होंगी? अनेक भाषाएं होंगी। और अद्वैतवादी युग में एक ही भाषा, एक ही राज्य, एक ही धर्म, एक ही कुल,
एक ही मत चक्रवर्ती तीन फॉर्म दे रही है, उसका मतलब क्या है? और पांडवों का सहयोग नहीं मिला, दोनों बातें बोली जाती है। कहते हैं पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले। अभी लोग कहते हैं कि अगर एडवांस पार्टी में पांडव है और जो बेसिक में है वो सब कौरव है या यादव है, तो बेसिक नारी वालों के पास ये महलवानी आचार्य है अभी तो, और एडवांस पार्टी वालों के पास भी है नहीं है, मेहरबानी आचार्य है। तो ये बात कब की, कब ये बात कब का गायन है कि पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले, मिले कि नहीं मिले है? ऐसे तो कहीं नहीं कहा मुरली में कि शुरुआत में तीन पैर पृथ्वी के मिले या नहीं मिले और बाद में मिले, मुरली में कहीं बोला है? ये तो अपने मन से बात बना ली कि आज में मिले, आज में नहीं मिले और अंत में मिले। लेकिन गायन क्या है? आज से अंत तक क्या गायन है? पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले हैं? धरणी माने कन्याई माता। अरे पहले हद में समझ लो, फिर बेहद में भी लागू होगा। हद में तीन पैर पृथ्वी के मिले, बेसिक में भी नहीं मिले, एडवांस में नहीं मिले। किसको? जो बेसिक में तो ढेर सारे पांडव हैं, जो वर्ल्ड रिवर ट्रस्ट बना के बैठे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है सारी उनकी मुट्ठी में। पहला पांडव कौन है? जो पहला पांडव है उसको अभी तक तीन पैर पृथ्वी के स्वतंत्र रूप में मिले हुए हैं क्या? तीन पैर पृथ्वी एकदम स्वतंत्र, जिसमें कोई पुलिस प्रवेश न कर सके, कोई डकैत पांव न रख सके, मिले नहीं मिले हैं? भगवान के लिए तो गायन है। कृष्ण भगवान कंस के डर से गावड़े गावड़े में चक्कर काटते फिरे, भुक्त रहने लगे। राम भगवान जंगल में मारे मारे फिरे, और शंकर भगवान भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में घूमते घूमते फिरे। उनको तीन पैर पृथ्वी के मिले? चलो ये तो बाप की बात हो गई है? ये तो एक बाप की बात हो गई, उसे पंडा कहो पहला पांडव कहो। फिर बच्चों के जीवन में भी ऐसा होता है क्या है? होता है कैसे? कलकत्ता भाई को रविंद्र भाई के लिए बता रहे कि रविंद्र भाई को महलमारी अटारी थी और आज वो दर दर घूम रहा है। कोई गीता पाठशाला वाले उसको ठिकाना
नहीं दे पा रहे। देखो बाबा नहीं बोल दिया, जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप के जीवन में जो जो अड़चने आई होंगी, जो जो परीक्षाएं आई होंगी, जो जो विघ्न बाधाएं आई होंगी, वो सब नंबरवार बच्चों के पीछे भी आवेंगी। बच्चों का भी यही हाल होगा कि सारी दुनिया में मंडराते रहे लेकिन तीन पैर पृथ्वी के स्वतंत्रता से नहीं मिलते हैं। कहेंगे है? ये कैसे, ये कैसा स्वर्ग स्थापन हो रहा है, है? भटकना नरक में होता है या स्वर्ग में भटकना होता है, है? नरक में भटकना होता है और स्वर्ग में तो नहीं कहेंगे वैकुंठ में कि कृष्ण और कृष्ण के साथ ही भटकते होंगे। तो ये बात तो साबित नहीं हो रही। बैकुंठ आखिर स्थापन होगा या नहीं होगा, है? बैकुंठ स्थापन होगा। अब तीन पैर पृथ्वी मिलेगी नहीं, है? मिलेगी। तीन पैर पृथ्वी मिलेगी तो फिर ये गायन कहाँ रहा, है? एक पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले, हैं? 73 के बाद, 83 के बाद तीन पैर पृथ्वी के मिले। अच्छा, वो बात तीन पैर पृथ्वी की तो नहीं थी। 83 में जो कुछ भी प्राप्ति हुई वो तीन पैर पृथ्वी के लिए नहीं थी, वो प्राप्ति थी बैगर टू प्रिंस बनने के लिए। माने जो रोटी कपड़ा और मकान के लिए दूसरों के अधीन था, वो पंचवर्षीय योजना भगवान की पूरी होने पर रोटी और कपड़ा और मकान के लिए किसी के अधीन नहीं रहा। दूसरे उसको अधीन हो सकते हैं प्रैक्टिकल में, लेकिन वो किसी के अधीन नहीं रहता। क्या मतलब? माना दूसरी आत्माएं जब उसके अधीन हो सकती है तो दूसरी आत्माएं जो अधीन होती हैं, समर्पित होती है, उनको तीन पैर पृथ्वी मिलती है या नहीं मिलती है, है? उनको तीन पैर पृथ्वी मिलती है लेकिन देने वाले को तीन पैर पृथ्वी नहीं मिली। पापा ज्यादा वो तीन पैर पृथ्वी का डिफरेंस क्या है? जो भी मिनी मधुवन बने हुए हैं उनमें लेटने के लिए कितनी जगह मिलती होगी? एडवांस पार्टी में जो भी मिनी मधुवन बने हुए हैं उनमें लेटने के लिए कितनी जगह मिलती होगी? तो तीन पैर ही कही जाएगी या ज्यादा कही जाएगी, है? तीन पैर कही जाएगी। अरे रेल में जब रिजर्वेशन होता है तो कितनी जगह मिलती है? तीन पैर पृथ्वी मिलती है। तो मतलब है? नहीं मिला माने मतलब? नहीं मिला माने पांडवों को नहीं मिला। तीन पैर पृथ्वी पांडवों को नहीं मिली, जो पंडा बाप के बच्चे बने। क्या उनको तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले? और आगे भी नहीं मिलेंगे।
घबराहट तो नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं है? आगे क्यों नहीं मिलेंगे? विश्व का बात है, विश्व की बात सही विनाशी दुनिया में विश्व की बादशाह ही कोई मायने रखती है? दुनिया का विनाश होने वाला है, हाहाकार मची हुई है, खून की नदियां बह रही है, और कोई विश्व की बादशाह को लेकर के बैठ जाए तो कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। समझदार है तो कोई वैल्यू नहीं, और बेसमझ है तो कह रहा हमको तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो कहते हैं भगवान जब आए तो राजा बलि ने क्या किया है? भगवान ने तीन पैर में उनका सारा राजभाग अपने कंट्रोल में ले लिया। राजा बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। शिव का पहले रचना आदिदेव आदिदेवी रही की जगदम्बा ही। शिव बाबा कहेंगे या शिव बाप कहते हैं आप? आप शिव बाप कहना चाहते हैं या शिव बाबा कहना चाहते हैं? एक दूसरे का मुंह ताकने लगे हैं? शिव बाबा कहा जाता है जब निराकार साकार में प्रवेश करता है, और शिव बाप कहा जाता है जब प्रवेश नहीं करता है, सिर्फ ज्योति बिंदु का रूप है। मेरी बिंदी का नाम शिव है और सबके शरीरों का नाम है। मेरी बिंदी का नाम है शिव। और शिव का पहले रचना उसकी होगी जो रचयिता होगा। रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? तो कौन सी किसकी किस आत्मा की बात कर रहे हैं? वो आदिदेव आदिदेवी बोला ना वाणी में, वो पहले रचना है कि नहीं? जगदम्बा पहले रचना है। रचना रचने वाला कौन, उसकी तो बात बताओ पहले। क्योंकि रचयिता साकार होगा तो रचना भी साकार होगी, रचयिता निराकार होगा तो उसको रचयिता कहा नहीं जाएगा। रचना भी नहीं होगी। रचना और रचयिता का संबंध साकार के साथ जुड़ता है। साकार रचयिता भी होना चाहिए, साकार रचना भी होनी चाहिए। आत्मा निराकार है और सुप्रीम सोल बाप भी निराकार ज्योति बिंदु है, तो उनको रचना और रचयिता कहा जाएगा? बिंदु बिंदु आत्माओं को और बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल शिव को रचयिता और रचना का संबंध कहा जाएगा? है? अरे मिट्टी है, मिट्टी से कुम्हार ने घड़ा रचा, तो कुम्हार हुआ रचयिता और घड़ा हुई रचना, दोनों साकार हैं या निराकार हैं? कुम्हार भी साकार और घड़ा भी साकार। जो रचयिता है वो भी साकार चाहिए और रचना भी साकार चाहिए। नंबर वन कौन है? ये तो सब जानते हैं, पहले रचयिता होता है या पहले घड़ा होता है? पहले घड़े की रचना होती है या पहले कुम्हार होता है? कुम्हार पहले होता है। रचयिता माने बाप और रचना माने रचना माने रचना पहली रचना तो माता होती है।
पहली रचना है माता, फिर नंबर वार रचनाएं और हैं बच्चों के रूप में। तो शिव बाबा की बात कर रहे हैं, शिव बाप की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? शिव बाप की बात, वो तो रचयिता है नहीं, वो तो बिंदी है, वो तो कभी रची नहीं जाती, सदाकाल है ही है, और आत्माएं भी कभी रची नहीं जाती, आत्मा तो सदाकाल है ही है। वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जब साकार में प्रवेश करे और जिसमें प्रवेश करे उसकी बुद्धि में ये पक्का हो जाए, क्या क्या पक्का हो जाए, अलग को मिला अल्लाह, क्या पक्का हो जाए हैं? अलग को अल्लाह मिला, अलग को अल्लाह मिला कि नुक्ता मिला, बिंदी मिली या अल्लाह मिला? अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा जब कहा जाएगा तो कंपैरिजन हुआ या बिना कंपैरिजन के हुआ? ऊंचे से ऊंचा माना कंपैरिजन है या नहीं है? है तो कौन है ऊंचे से ऊंचा, आलप या नुक्ता बिंदु? आलप है ऊंचे से ऊंचा। जब समझ लिया कि सृष्टि पर ऊंचे से ऊंचा पाठधारी कौन है तो आलप को मिला आलप। और जो भी यज्ञ की बात कही थी, कंट्रोलिंग पावर थी, ले लो समय तो इतनी साथ हुआ। क्या की समय तो इतनी साथ हुआ, इसका साथ हुआ नहीं, नहीं साथ हुआ नहीं। हाँ ये चीज स्टार्ट नहीं हुआ उस समय, ये की नहीं कहेंगे नहीं, उस समय ये की स्टार्ट हुआ या नहीं? यज्ञ तो रुद्र यज्ञ है, रुद्राण यज्ञ तो नहीं है, रुद्र यज्ञ है, एक का यज्ञ है या दो का यज्ञ है? ज्ञान जो है, ज्ञान की रचना है वो माता करती है या पिता करता है? ज्ञान है बीज, बीज किसके अंदर रचा जाता है? माँ के अंदर रचा जाता है या बाप के अंदर रचा जाता है? माँ के अंदर बीज डाला जाता है कि रचा जाता है? तो रचा किसके अंदर जाता है? बाप की बुद्धि पेट में, वो ज्ञान यज्ञ की रचना होती है। आज में भी ज्ञान का बीज पड़ा तो गीता में लिखा हुआ है हम बीज प्रदा पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। तो जो पिता है वो ही रचयिता है। आदि में रुद्र जाने के बाद उसको रुद्रयत्न कहा जाएगा है? रुद्र जाने के बाद उसको रुद्रयत्न कहा? अरे वो तो डाल दिया तो डाल दिया, अब कहीं भी चला जाए डाल के है? ओम आत्मा को कहा जाता है ना है? किसको कहा जाता है? ओ मन आत्मा। ओम मंडली में बदल के फिर क्या हो गई? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय हो गया। तो जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय हो गया उसे ओम कहेंगे है? वो तो ओम नहीं हुआ। ओम माना
ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का कार्य करने वाला। जब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय हो गया तो ओम जैसे उड़ गया। कोई भी धर्म का रचयिता होता है तो अपना नाम डालता है कि नहीं? तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की रचना किसने की होगी? ब्रह्मा ने की होगी। इसका मतलब ब्रह्मा की बुद्धि में प्रजापिता नहीं था? ब्रह्मा की बुद्धि में प्रजापिता होता तो पहले प्रजापिता डालता ना। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों डाल दिया? दो बाद में जो डाला है वो समझ में आया क्या? ब्रह्मा की बुद्धि में ये समझ में आया कि ये प्रजापिता डालने का रहस्य क्या है? बाबा ने बोला, शिव ने वहां डलवा दिया, डल गया। बाबा ने बोला क्षेत्र में विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी, डलवा दिया। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको जैसे बताओ वैसे चलता जाएगा। आदि में बाप और ब्रह्मा जगत से है, झगड़ा होता है ब्रह्मा और बाप के बीच में, और प्रार्थना के साथ साथ यदि कुंड से बिना ज्वाला भी प्रज्वलित हुई और अलग देश हो जाते हैं। हाँ जी, पर राजनामा में वो जगत से ही नहीं है। कृष्ण और राम झगड़ते ही नहीं? कृष्ण और राम झगड़ते नहीं? ये ब्रह्मा कुमारी और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का झगड़ा अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है? हर और झगड़ते हैं। वो बाप नहीं चिल्ला रहा है कि इस बच्चे ने अम्मा को अपनी मुट्ठी में कर लिया? अभी बाप चिल्लाए नहीं रहा है, ऐसा धूर्त बच्चा है। और सारी दुनिया चिल्ला रही है, बाप मर जाता है तो भूत बन के देखता है, अरे इन बच्चों ने तो अम्मा को पूरा मुट्ठी में कर लिया। मुट्ठी में नहीं कर लिया, मुट्ठी में लिया और दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया। हो रहा है कि नहीं? ऐसा दुनिया में जैसा बीज में होगा वैसा दुनिया में होगा। हाँ जी, झगड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है? अपने सर के ऊपर बजेगी तब दिखाई पड़ेगा क्या? शास्त्रों में गाय क्या? शास्त्रों में गाय? शास्त्रों में गाय नहीं है? विष्णु कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है, है? तो विष्णु और शंकर की लड़ाई नहीं दिखाई पड़ी शास्त्रों में? शंकर को जगत पिता माना जाता है और विष्णु को उनकी भारिया माना जाता है। जब शंकर जी फंस गए भस्मासुर के चक्कर में तो किसने बचाया? विष्णु ने बचाया। तो विष्णु की और शंकर की लड़ाई नहीं देखने में आई कभी है? अच्छा, पार्वती शंकर की लड़ाई आती है देखने में कि नहीं? और बराबर अभी शास्त्रों की बात उठाई तो शास्त्रों की बात उठा के अलग कर दो। जन्म है ब्रॉड ड्रामा में वो जो ब्रॉड ड्रामे में हुआ होगा वो सब यहाँ शूटिंग पीरियड में भी होता है। ब्रॉड ड्रामा में नहीं हुआ होगा तो शूटिंग पीरियड में भी नहीं होगा। राजा लेता है ना राम और कृष्ण का लड़ाई चलता है। देखने में नहीं आती? नहीं वो बात नहीं, राजा लेने का राजा लेता है ना द्वापर से बाद में उसमें लड़ाई कैसा होता है? किसकी लड़ाई नहीं होती? और लड़ाई वहाँ कहाँ देखने में आएगी जब कोई जानता ही नहीं कौन कृष्ण है कौन राम है? कोई जानता है क्या? जब यहाँ भगवान बाप आते हैं तो बताते हैं कि ये कृष्ण है ये राम है,
का पता चलता है, तब लड़ाई का भी पता चलता है। शुरू होता है 76 से या उससे पहले ही। बेसिक नॉलेज में जो आए सन 76 से उनका पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा। अगर पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा तो मुरली में ये क्यों कहा कि ब्राह्मण जन्म होता है, अगर ब्राह्मण शरीर छोड़ भी देता है तो उसका अधूरा अगले जन्म में मिलता है। तो पुरुषार्थ नहीं किया तो अगले जन्म में कैसे पहुंच गया? राम फेल हुआ तो उसको धनुष बाण मिल गया, जाओ शिकार करो कमाओ और खाओ अपनी राजाई करो। तो अगर पिछले जन्म में धनुष बाण लेने का पुरुषार्थ नहीं किया, पढ़ाई नहीं पढ़ी, तो अगले जन्म में राजा कैसे बनेगा, विश्व का मालिक कैसे बनेगा? जो भी एडवांस में आने वाले हैं उनमें से मोस्टली ने यज्ञ के आदि में पुरुषार्थ किया है। संक्षेत्र की बात नहीं सिर्फ संस्था बॉल रेनिवल ट्रस्ट का रूप में रजिस्ट्रेशन हुआ ना, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इस दिन का रूप में बॉल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। जो माँ को धोखा देने वाले हैं वो अम्मा का नाम डालेंगे, जो असली अम्मा है उसका नाम डालेंगे या कोई अपना नया नाम बना के डालेंगे? और दो नंबर आउट हुए हैं बाप और माँ बताया, ये हो चुका है उसी अव्यक्त वाणी में। इसी बात का जवाब उसी अव्यक्त वाणी में आ चुका है क्लेरिफिकेशन आ जाएगा, मिल जाएगा। दो नंबर आउट हुए हैं, बात किसकी हो रही है? अष्टदेवों की बात हो रही है, जो पास विद आनर है उनकी बात हो रही है अव्यक्त वाणी में। और बताया कि पास विद आनर होने वालों में दो का नंबर आउट हुआ है। क्या जो दो है वो रुद्रमाला के मणके होंगे या विजयमाला के मणके होंगे? रुद्रमाला के मणके होंगे। और रुद्रमाला में भी सूर्यवंशियों के छिलके वाले होंगे या चंद्रवंशियों इस्लाम वंशियों के विशेष छिलके वाले होंगे? ज्यादा जन्म उन्होंने सूर्यवंशियों में लिए होंगे। तो कितने रह गए? 108 में से कितने रह गए? अरे सूर्यवंशियों का ग्रुप 108 की माला में कितना है? 12 का। 12 में भी 8 है अष्टदेव और 4 है नष्टदेव। जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो प्राप्ति करेंगे या जो डिस्ट्रक्शन करेंगे वो ज्यादा प्राप्ति करेंगे? जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो प्राप्ति करेंगे, जो डिस्ट्रक्शन करेंगे उनको उतनी प्राप्ति नहीं हो सकती। मकान का गिराना तो कोई भी मजदूर कर सकता है। तो 12 में से 4 तो वो निकल गए, कितने बचे? 8। 8 में 3 सीट वाला कोई है कि नहीं? कौन होगा? 3 सीट जो फिक्स हुई है वो शिव जब आते हैं यज्ञ के आदि में तो भी 3 सीट होती है, और जब प्रत्यक्षता होना शुरू होती है तो भी 3 सीट होती है।
और 2000 के आसपास बता दिया तीन सीट फिक्स हुई है। उन तीन सीट में नंबर वार तबके हैं या एक ही जैसे तबके वाले? तो पहले तबके वाले का कुल प्रत्यक्ष होगा पहले, या दूसरे तीसरे का पहले प्रत्यक्ष होगा? पहले वाले का पहले कुल प्रत्यक्ष होगा। तो पहले वाला कौन सा कुल है? पहले वाला सूर्यवंशी, चंद्रमा है तो चंद्रवंशी। तो जो पहले वाला है उसमें से जो 12 के ग्रुप में से 8 मण के हैं, उन 8 मणकों का फिर मुखिया कौन हुआ? उन तीन सीट है जो फिक्स हुई है उनमें से कौन होगा? जो तीन सीट फिक्स हुई है उनमें से जो पहली सीट है ऊंचे से ऊंची सीट है, वो ऊंचे से ऊंचा तबका दिखाया गया, उसमें चित्र भी दिखाया गया है। ज्ञान सूर्य उसमें प्रवेश करता है तो वो नंबर तो होगा ही होगा। अब रह गया दूसरा, तो जो 8 है वो 8 सूर्यवंशी बच्चे जन्म जन्मांतर तो बाप के सहयोगी बन के रहते हैं, फिर भी आखिरी जन्म में आके नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते? और एक ही धर्म में नीचे गिरते हैं या अलग अलग धर्मों में नीचे गिरते होंगे? अलग अलग धर्मों का छिलका एक जन्म के लिए उनके ऊपर चढ़ जाता है, सिर्फ एक जन्म का। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं कोई के ऊपर एक जन्म का परिवर्तन होने का, कन्वर्ट होने का हिसाब किताब होगा, एक दो जन्म से कोई कन्वर्ट हुआ होगा तो तुम ज्ञान सुना देंगे और झट निकल आवेगा। क्या सिर्फ एक दो जन्म का कन्वर्ट हुआ, भले मुसलमान ही क्यों ना हो इस जन्म में, अगर एक जन्म में कन्वर्ट हुआ है पिछले एक जन्म में, तो उसको तुम थोड़ा सुना देंगे और फट से तो क्या कहेंगे, वो हमारे कुल का है या नहीं है? कहेंगे ये हमारे कुल का है। अच्छा हमारे कुल का है, फिर आखिरी जन्म में कन्वर्ट कैसे हो गया? आखिरी जन्म में सबको ही नीचे गिरना है, ऐसा अहंकार कोई नहीं कर सकता कि हमें माया कभी नहीं गिरा सकती। क्या राम को गिराया होगा, फेल हुआ होगा तो हुआ होगा, हमको माया फेल नहीं कर सकती, ऐसा यदि में कहते हैं कि नहीं? क्या अरे ये तो फेल होने वालों के लिए है, राम फेल हो गया, हमें राम से क्या लेना देना? ऐसे कहते हैं कि जैसे राम तो फेल हो गया, अब कृष्ण वाली आत्मा कभी फेल नहीं होती, भले आज फेल हो जाए। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वैरायटी धार है या नहीं है? वैरायटी धार में कोई एक आत्मा तो ऐसी होगी जो कभी किसी से झुकने वाली ना हो, होगी या नहीं होगी? है? होगी तो कौन होगी? बात खत्म। मरते मरते मर जाती है, दूसरे धर्म में जन्म भी ले जाती हो, वो तो लेती रही है पहले भी। क्या जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, मान लो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाला सिद्धार्थ तो आधारभूत था, कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसको जन्म देने वाला बीज बाप वो कन्वर्ट होता है क्या? और उसका बाप जो बाबा कहा जाता है वो कन्वर्ट हुआ होगा? वो भी कन्वर्ट नहीं होता, कन्वर्ट तो नहीं होता,
लेकिन उनकी आंखों के सामने देखते देखते वो सिद्धार्थ जो बुद्ध बना वो दुनिया के बड़े हिस्से को कन्वर्ट कर देता है। तो फकर तो आएगा मेरे खून से पैदा हुआ क्या? आखिर बच्चा किसका है? किसका? मेरा बच्चा। तो मोह जाता है या नहीं जाता है? मोह जाता है। वो जो मोह जितनी तीव्रता से जाएगा उस बच्चे के प्रति उतनी ही तीव्रता से वो उस आत्मा के पास जाकर जन्म लेता है और अपने बच्चे को राजाई की प्राप्ति कराता है। रूहानियत की दुनिया की राजाई की प्राप्ति शिव बाप कराता है और देह अभिमान की राजाई की प्राप्ति देह अभिमानी बाप कराता है। वो रूहानी बाप वो 21 जन्म की प्राप्ति कराता है और वो जिस्मानी बाप वो 1 जन्म की प्राप्ति कराता है। धर्मपिता आने वाले आत्मा द्वापर में किस समय ज्ञान लेते हैं बाबा? संगम युग में ज्ञान लेती है सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना पड़ेगा। सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद बनेगी। अब किस पुरी का ब्राह्मण बने वो अलग बात है। कोई ऊंचे से ऊंची पुरी के ब्राह्मण बनते हैं और कोई नीचे से नीचे पुरी के ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण तो बनना पड़ेगा। संगम जी कृष्ण का पालना करने वाला माँ बाप को संगम जी कृष्ण को जो पालना देने वाले हैं जो पैदा करने वाले होंगे तो पालना देने वाले भी होंगे। बेहद नहीं है। कृष्ण के लिए शास्त्र में गाया जाता है। क्या गाया जाता है? कि दो तरह के माँ बाप थे। लौकिक दुनिया में भी माना जाता है एक जन्म देने वाले माँ बाप और दूसरे कोई यतीम बच्चा होता है उसके दूसरे पतरे के बाप कौन होते हैं जो उसको पालना देते हैं। तो ऐसे ही संगम युगी कृष्ण की जो यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है एक माँ बाप जो विकारों की जेल में पड़े रहे लेकिन वो कृष्ण बच्चा बाहर चला गया विकारों से परे हो गया। क्या? काली नदी को पार कर गया। काली नदी में कालिया नाग रहता था उसका भी असर उसके ऊपर नहीं पड़ता। तो वो तो माँ बाप विकारों की जेल में दिखाए गए माना संगम युगी कृष्ण के माँ बाप। तो अभी विकारों की जेल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हैं? नहीं होना चाहिए। विकारों की जेल में नहीं होंगे हैं? अरे संगम युगी कृष्ण के जो जन्म देने वाले जन्म देना माने प्रत्यक्षता करना। प्रत्यक्षता विदेशी करते हैं या स्वदेशी करते हैं? तो संगम युगी कृष्ण तुम्हारी बुद्धि में जो बैठा हुआ है उसकी प्रत्यक्षता कहाँ से हुई? दक्षिण भारत से हुई या उत्तर भारत से हुई? कौन निमित्त बने? भारत का विदेश दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत में से ही कोई बीज रूप आत्माएं होंगी यज्ञ के आदि वाली जो उस बच्चे को जन्म देने के माने प्रत्यक्षता करने की निमित्त बनती है।
प्रत्यक्षता होती है तो कौन सा जोन पहले निकलता है? कर्नाटक जोन पहले निकलता है, आंध्र निकलता है और प्रत्यक्षता हो जाती है। और वो बेचारे जेल में ही पड़े रहते हैं क्या? कौन? जन्म देने वाले, लेकिन पालना करने वाले। और जो पालना करने वाले हैं वो यादव संप्रदाय कहे जाते हैं। कौन? यादव संप्रदाय। उनका जन्म यदुवंशियों में हुआ था ना, तो बाबा ने यादव किसको बताया है? जो भी इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन है वो सब क्या है? सब यादव को क्या लिखे। तो यादवों में उसकी पालना होती है। क्या पालना का मतलब क्या है? सहयोगी, हाँ, मददगार बनते हैं। मददगार बच्चे की पालना में पहले पहले मददगार कौन बनते हैं? पड़ोसी, रिश्तेदार या परिवार के मुखिया? तो जो परिवार के मुखिया हैं वो ही पालना कर रहे होंगे, या परमधाम से चपटती है पालना है? रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान कहाँ से आता होगा है? परिवार वाले ही करते होंगे। और ज्ञान की जो पालना है वो परिवार वाले उस ज्ञान को मानेंगे या बाहर वाले मानेंगे? परिवार वाले ज्ञान को मानेंगे। तो संगम जी कृष्ण के माँ बाप नहीं समझ में आए है? दोनों तरह के माँ बाप नहीं समझ में आए? आए। जो जेल में पड़े हुए हैं वो भी समझ में आए, और जिन्होंने विकारों की जेल को छोड़ा हुआ है, ममत्व सारा बच्चे में लगा हुआ है, वो भी समझ में आए। और वसुदेव देवकी है ना, वो दोनों इस्लाम और मुस्लिम धर्म का बीज है क्या? जेल किसकी है? नहीं नहीं, शास्त्र में किसकी जेल कही गई? कंस क्या करता था? कन्याओं को पोसता था। अभी हिस्ट्री देखी जाए तो भारत की हिस्ट्री में से कन्याएं कौन उठा उठा के ले जाते हैं और उनको कोसते हैं? मुसलमान? तो समझ में नहीं आ रहे। जो इस्लामी है वो ही कन्याओं को कंट्रोल में कर लेते हैं। यज्ञ के आदि में कोई कन्या रही होगी जो महीने दो महीने सहयोगी बनी और बाद में वो मुसलमान उठा ले गए? और जब हमने सर्विस फील्ड में गए थे तब कुछ लोगों ने ऐसे पूछे कि आप तो हमारा हाथों से बनाया हुआ खाना नहीं खाते हैं, पर औषधियाँ या दवाइयाँ तो खाते हैं, ऐसे क्यों? औषधि जो होती है थोड़ी सी होती है, और खाना, खाना तो पूरा ही पेट भर जाता है, है? औषधि जो होती है वो सार रूप में होती है। और औषध पसंद से नहीं लेते, खाना पसंद से खाते हैं। खाना तो अपने हाथ से बनाते हैं, आपके हाथ का खाना क्यों खाए? पालने वाला माँ बाप कौन हुआ है? पालने वाले माँ बाप यशोदा, जो यश देते हो, जो यश दे जो यशोदा, और जो अपयश दे ग्लानी करे वो क्या हुए? उनको यशोदा कहा जाएगा? यश देने वाला कहा जाएगा? नहीं। कौन टुकला नहीं करने वाले? ओ होंगे कोई,
मुगले भगवान की ग्लानी करते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुगल मुगल बाबा को स्वप्न आता है क्या? अच्छा माना बाबा बाबा मनुष्य नहीं बनता है, मनुष्य को जो कुछ होता होगा वो बाबा को होता होगा कि नहीं? आप पूछते हैं बाबा को स्वप्न आता है क्या, फिर कल पूछे बाबा को लेटरिन आती है क्या? किसने बोला? तुमने ही तो नहीं बोला था। कैसे तुम्हें बोला तो वो किसके लिए बोला गया? बारे बाप प्रजापिता वो कौन से सन की क्लैरिफिकेशन की कैसे तुम्हें बोला गया तारीख वाली जाएगी नहीं? और प्रजापिता अगर नहीं संगठन बना पाएगा तो फिर दुनिया में संगठन का फाउंडेशन डालेगा कौन है? प्रजापिता जिसके लिए बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। क्यों बोले? माने जिस समय बोला होगा उस समय संगठन नहीं बना पाया होगा, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला, इसलिए बोला होगा। कोई हथेली पाम जमाया जाता है क्या? जमाया जाता है शूटिंग का काम पूरा होगा तभी तो होगा। शूटिंग का पीरियड ही पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही काम संपन्न हो जाएगा। क्या बोला तो तुम भूल गई? क्या बोला फिर से रिपीट करो, बोलो 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 क्या बोला? अरे बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। बारे बाप प्रजापिता एक भी संगठन नहीं बना पाया। तो ये बात जो बोली गई 2004 से पहले बोली गई या बाद में बोली गई? पहले बोली। माना संगठन तो तभी बनेगा जबकि शूटिंग काम पूरा होगा, रिहर्सल पूरी नहीं हुई और ड्रामा शुरू हो जाएगा। पहले तो रिहर्सल पूरी हो ना। हाँ जी क्या है कि इतने ढेर सारी कैसेट निकल रही है, ढेर सारी डीसीडी निकल रही है, ये क्या ब्राह्मणों की दुनिया फैल नहीं रही है? फैल रही है, लेकिन जो रानी होती है जिसको रानी का पद पाना है वो चंद्रवंश से होगी या सूर्यवंश से होगी? चंद्रवंश से होगी। और चंद्रमा किसके अधीन होता है? नहीं, धरणी के अधीन होता है। चंद्रमा धरणी के चारों तरफ घूमता रहता है, सूर्य के चारों ओर नहीं घूमता। तो चंद्रमा और चंद्रवंशी जो भी राधा और राधा की सखियां हैं वो बंधी हुई हैं किसके साथ? चंद्रमा और चंद्रवंशियों के साथ। और वो तब तक बंधी हुई है, ऐसे नहीं ज्ञान वहां पहुंच नहीं रहा है, जोर से चोर बाजारी चल रही है, दूसरों को दिखाएंगे नहीं, बाहर वालों को अंदर अंदर बेडरूम में दो दो तीन तीन चार चार मिलकर के देखेंगे सुनेंगे। दुनिया में चोर बाजारी बहुत चलती है और बहुत कमाई करते हैं,
ऐसा नहीं कि ज्ञान वहाँ पहुँच नहीं रहा है, ज्ञान सारा पहुँच रहा है, लेकिन जो क्या होते हैं जो विदेश का माल ला करके बेचते हैं, इसमें अलग अलग उनका भी संगठन होता है क्या, उनका संगठन बहुत मजबूत होता है, उनका जो बात होता है ना उस बात में सब बंधे हुए होते हैं, अगर उनकी पकड़ से कोई बाहर निकल जाए तो गोली मार दे, बहुत खतरनाक होते हैं चोर बाजारी करने वाले, तो ऐसे नहीं है कि वहां ज्ञान फैला हुआ नहीं है, लेकिन गुप्त में सारा काम चल रहा है। और अष्टदेव और अष्टदिक्पाल एक ही है क्या? अष्टदेव और अष्टदिक्पाल अष्टदिक्पाल आठ दिशाएं हैं, तो आठ धर्मखंड नहीं होंगे क्या? जब आठ धर्मखंड है तो आठ दिग्पाल भी है, दिग्पाल माने दिशाओं की पालना करने वाले। दक्षिण की दिशा में कौन कौन से देश है, उत्तर की दिशा में कौन कौन से देश है, पूर्व की दिशा में कौन कौन से देश है, पश्चिम की दिशा में खास देश कौन कौन है, उनकी पालना करने वाली भी होगी। अष्टदेवों को तो दिखाते ही है, एक दिशा सूचक यंत्र जैसा दिखा देते हैं, दक्षिण भारत में चित्र दिखाते हैं किसका, अष्टदेवों का, तो दिशा सूचक यंत्र जैसा दिखाया हुआ, ईशान कोण में बैठा हुआ ईश्वर दिखाते हैं ना, वो तो दिग्पाल है। कालिदास ने भोजराष्ट्र आश्रम में रखते है, भोज माने क्या, अरे भोज माने क्या, भजन भजन नहीं, भोज माने भोगना, क्या रामकृष्ण की आत्माओं में भोगने वाली आत्मा कौन है सुख का, अब काम करने वाली आत्मा कौन सी है, काम करके दिखाने वाली कौन है और भोगती कौन है, कृष्ण वाली आत्मा स्वर्ग के सुख भोगती है और राम वाली आत्मा कमाल करके दिखाती है, तो राजा भोज समझ में आया है, आया कि नहीं आया है, नहीं आया, राजा भोज राजा था, भोगने वाला राजा था या बड़ा कवि था, कलाकार था, राजा भोज कलाकार था, वो राजा था और कलाकार कौन था उसकी सभा में सबसे बड़ा, कालिदास, हाँ जी क्या, खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले हो तुम बच्चे, खोपड़ी होती है ना जब युद्ध भूमि होती है तो ढेर सारी खोपड़ियाँ कट जाती हैं, लुढ़क जाती हैं, फिर कट जाते हैं ना, तो तुम बच्चे हो खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले है, ये ज्ञान में चलने वाले नहीं है, इनकी तो खोपड़ी कट गई, ठोकर लगाओ आगे बढ़ो, क्या जो बाप के बच्चे होंगे वो मरने वाले होंगे या जीने और जलाने वाले होंगे, जियो और जीने दो, वो मरने वाले नहीं हो सकते, जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं वो युद्ध भूमि में मरते हैं, जो निश्चय बुद्धि होते हैं, निश्चय बुद्धि किसके ऊपर, बाप के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, परिवार के ऊपर, आत्माओं के ऊपर, जो निश्चय बुद्धि है वो विजय से विजय पाते जाएंगे, खोपड़ियों को ठोकर लगाते जाएंगे, ये बेकार है, सब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले,
और मान लीजिएगा तो सिर्फ आठ ही बचेगा, बाकी सब खला चल जाएगी, तो आप क्या किए सब अच्छे हो जाएंगे क्या? बच्चे का मतलब क्या है? आठ ही बचेगा पाँच। बच्चे का मतलब क्या है और ना बच्चे का मतलब क्या है? हैं? बच्चे माने जिंदा रहे और ना बच्चे बना अनिश्चय बुद्धि हो जाए मर जाए। जहाँ जिसको जगह दिखाई पड़ेगी वहाँ जाएगी। सरेंडर होते हैं, सरेंडर होते हैं और तन मन धन किसको देते हैं? देते हैं, देते हैं, सब देते हैं, है? सरेंडर होते हैं बाप को, दुनिया को दिखा दिया हम सरेंडर हो गए, और उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो तन कहाँ जाता है? बाहर जाए, अंदर जाए, दूसरों के प्रति जाता है। धन कहाँ जाता है? दूसरों की तरफ जाता है। मन कहाँ जाता है? बाहर की दुनिया में जाता है। तो क्या कहेंगे? टाइम पूरा हो गया जी, बस 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 बस।